वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वक्त मैं आ रखा हूँ आपके अक्षरधाम में। देख सकते हैं मेरे पीछे, ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन एरिया है और आज मैं आ रखा हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो ये एरिया है, ये कहलाता है आपका पांडव नगर, गणेश नगर पांडव नगर कॉम्प्लेक्स। और आज आ रखा हूँ मैं छठ पूजा के देखने के लिए। दिल्ली के अंदर जो है आपका 1000 से ज्यादा घाट बनाए जा रहे हैं कृत्रिम घाट छठ पूजा के लिए। उसमें से एक घाट यहाँ भी बनाया गया है, जो इस एरिया के जो विधायक हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है, ठीक है, उनका भी इसमें जो योगदान है। अभी वर्मा जी जो लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, इनके आप पोस्टर देख सकते हैं, तो उनके द्वारा ये यहाँ पे जो आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, चलेंगे और देखेंगे हम कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे तैयारी करवाई है, ठीक है। और ये जो छठ घाट का जो निर्माण जो है, PWD और दिल्ली जल बोर्ड के सहयोग से जो है, दिल्ली सरकार के सहयोग से जो है, ये जो है आपके छठ पूजा का घाट का निर्माण कराया गया है और छठ पूजा का आयोजन कराया जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं, वीडियो बने रही है, ठीक है, और कैसे छठ पूजा तैयारी चल रही है दिल्ली के अंदर, खासकर इस दिल्ली के अंदर, वो आपको हम दिखाएंगे। तो मेरे तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है इस जगह पे और लोग छठ पूजा के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। तो अभी चलेंगे हम अंदर घाट की तरफ और देखेंगे, देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान जो है अपनी ड्यूटी करते हुए, ठीक है, लोगों की सहायता करते हुए जो तैनात किए गए हैं, देख सकते हैं, और कितनी अच्छी तैयारी चल रही है इस जगह पे छठ पूजा की। चलिए, वीडियो में से बने रहें दोस्तों। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, और आपकी यहाँ छठ पूजा की तैयारी कैसे चल रही है आप वो भी मुझे बता सकते हैं। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है इस जगह पे, ठीक है। तो दोस्तों, बिहार में अलग अलग जगह से लोग अलग अलग तरीके से छठ बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे छठ पूजा का तरीका बनाने का, कोई घाट के किनारे में आता है, कोई इस तरह से, देख सकते हैं वो पूरा आप मैं दिखाना चाहूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमारी माताएं बहनें जो इस तरह से भी तरीके से वो पूरा कवर करके बनाती है छठ पूजा। वीडियो में बने रहे, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ किस तरह घाट बनाया गया है, ठीक है। तो जो यहाँ के विधायक है लक्ष्मीनगर के अभय वर्मा जी, उनकी तस्वीर है, अहिने जी सुरसिया जी, आम आदमी पार्टी के संयोजक, इनकी तस्वीर है। तो इस तरह से जो है आपकी BJP और आम आदमी पार्टी वाले, ठीक है, ये तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह जो है हॉट बैलून उड़ाने की तैयारी की जा रही है यहाँ पे, एक हॉट बैलून यहाँ बच्चे भी उड़ाते दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाएगा उसके लिए जो मंच की तैयारी की जा रही है, देख सकते हैं गार्ड पे। और अगेन आपकी जो विधायक जी का जो आपको जो छोटी पिक्चर दिख जाएगी, और कुछ इस तरह का व्यू है आपका इस जगह छठ पूजा का, देख सकते हैं कि लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है छठ पूजा का मनाया जा रहा है। आज छठ पूजा का पहला दिन है, जो इसमें आप जो आपकी जो है जो डूबते सूरज को अर्घ अर्घ दिया जाता है, ठीक है। बाकी कल जो है सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद जिसकी समापन होगी छठ पूजा की। इसके अलावा और भी घाट बनाए गए हैं, तो चलिए उस घाट का भी जायजा लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह की तैयारी की गई है। बेसिकली दोस्तों, ये जो है आपका एरिया धोबी घाट कहलाता है, यहाँ पे जो ये धोबी घाट है, ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे जो है आपको ये आयोजन किया गया है इस जगह का, ठीक है। तो चलिए एक और घाट का हम जायजा करते हैं, और ये भी जो देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ के विधायक हैं अभय वर्मा जी, उनके द्वारा ये जो आयोजन किया जा रहा है इस वाले घाट के भी, देख सकते हैं यहाँ पे आपको मंदिर मिल जाएगी और आपको दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस जगह पे दिल्ली पुलिस जवान मुस्तक मिल जाएंगे आपको ड्यूटी करते हुए लोगों की सेवा में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह तैयारी है इस जगह पे, देख सकते हैं कितने अच्छे ढंग से तरीके से जो है यहाँ पे बनाया गया है इस पंडाल को, इस छठ पूजा की तैयारी के लिए घाट कैसा बना है आप हम चल के आपको वहाँ भी दिखाएंगे जरा, देख सकते हैं लोगों की गाड़ियाँ लोगों ने पार्क करके, ठीक है, हालांकि ये गलत तरीके से पार्क कर रखा गाड़ी लोगों ने, लोगों को आने जाने में और जो छठ करें उनको परेशानी ना हो, ठीक है।
ध्यान रखना चाहिए भाई। बाकी देखिए मैं अब दूसरे घाट पे आ चुका हूँ और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कैसा आयोजन है उस जगह पे। इसे लक्ष्मी नगर के विधायक हैं आलोक वर्मा जी, उनके द्वारा ये जो आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे की तैयारी की जा रही है और कुछ ऐसा घाट बनाया गया तो दोस्तों देख सकते हैं ये भी घाट काफी अच्छा बनाया गया है लोगों के लिए और यहाँ भी काफी अच्छा फील आ रहा है। पहले बार से ज्यादा अच्छा फील आ रहा है इस जगह पे, ज्यादा हैपी लग रहा है जगह पे। देख सकते हैं इतने अच्छे से गुब्बारे जो सजावट किया गया है जगह पे। अभी हम आपको जो है छाट घाट से जो है उसके घाट बनाए गए हैं उस घाट पे जो है चल के जाके हर साल बाकी इस साल भी मैं आपको अंदर चल दिखाऊंगा। हेलो सर, हर साल की बात है इस साल भी अब युवा एकता आप सभी छात्र दिखाएंगे हर साल की बात है इस साल भी अब युवा एकता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। आप सभी से निवेदन है आराम से देख सकते हैं इस तरह से जो स्मृति थर्ड घाट बनाया गया है और आज पहला दिन जो है जो डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं उसकी तैयारी चल रही है। हमारी माताएं जो है आपको देखते हैं पानी उतर के जो है सूर्य भगवान का आराधना कर रही है और अब सूर्य जो देव जो है वो अस्त होने वाले हैं इसलिए उनकी तैयारी चल रही है। ठीक है, मैं दिखाना चाहूँगा सबको। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से तैयारियाँ चल रही है थर्ड घाट की। गुरु आपको आपके साथ दिख जाएंगे भाई। गुरु कैसे आपको पहला दिन है आपको, फिर मैं कल की वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस ब्लॉग को यही बंद करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जय हिंद जय भारत।